पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो दिनों से लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी इसकी संभावना बनी हुई है। बिगड़े मौसम ने यातायात सेवा को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दिल्ली में 70 ट्रेनें देरी से और 16 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि 7 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और 4 घरेलू उड़ानों ने देरी से उड़ान भरी, जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का दौर अभी कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है। इसके साथ ही बारिश के बाद एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मकर संक्रांति तक ऐसे ही मौसम रहने के आसार हैं। तो कोहरे के बाद अब बारिश ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। पहाड़ों ने जहां सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली है, वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बारिश ने लोगों को घरों में दुपकने को मजबूर कर दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।